नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको समुद्र से निकली पांच चौंका देने वाली चीजों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। ये सभी चीजें इतनी हैरान कर देने वाली थी जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। क्राइस्ट ऑफ द एबीज। ब्राजील में एक शानदार स्टेचू है जिसे क्राइस्ट ऑफ रिडीमर के नाम से जाना जाता है, जिसे देखने दुनिया भर से हर साल लाखों लोग आते हैं। लेकिन कुछ साल पहले लोगों को पानी के अंदर एक और स्टेचू मिला जो ब्राजील के स्टेचू से भी बड़ा था, जिसे देखने के बाद लोग ये सोच रहे थे कि आखिर इसे पानी के अंदर किसने बनाया। ओशियन एटलस। अगर आप नासू घूमने जाते हो तो आपको समुद्र के नीचे एक ऐसा स्टेचू दिखाई देगा जो समुद्र को अपने कंधे पर उठा रखा है, जिसकी साइज 18 फुट से भी ज्यादा बड़ी है और ये पानी की सतह से थोड़ा ही नीचे है। लेकिन फिर भी लोग इसे देखने के लिए समुद्र के पानी में कूदने से भी नहीं डरते। टाइटेनिक। वैसे तो पानी की सतह पर कई जहाज घूमते रहते हैं, लेकिन इनमें से कई जहाज पानी में हमेशा के लिए खो गए, जिनमें से एक जहाज टाइटेनिक था जिसकी कहानियां आपने कई बार सुनी होगी, जिसके पानी में डूब जाने के बाद 1985 में इसे वापस खोज लिया गया जो कि समुद्र में 4 किलोमीटर नीचे था, जिसका ज्यादातर हिस्सा अभी भी सुरक्षित है। दोस्तों, आपने सबसे पहले समुद्र किस जगह पर देखा था, उस जगह का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। बाइया अंडरवाटर सिटी। ये एक ऐसा शहर है जो इटली के समुद्र में पानी के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी लोग इसके बारे में कमी जानते हैं। अगर आपको कभी इसे नजदीक से देखने का मौका मिला तो आप समझ जाओगे कि सालों पहले ये शहर कितना सुंदर हुआ करता था, लेकिन 1500 साल पहले ये शहर पानी के अंदर समा गया। मूसा पार्क। मेक्सिको के पास समुद्र के अंदर 100 से ज्यादा मूर्तियां लोगों के आने का वेट कर रही है, जिसे मूसा के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हो। इनमें कुछ मूर्तियां तो बिल्कुल असली लगती है, जैसे ये अभी उठ खड़ी होगी। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप सबसे पहले मूसा पार्क को देखना चाहोगे या फिर बाइया अंडरवाटर सिटी को, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें।